बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खातमुन नबीयीन। आज 19 अक्टूबर 2022 रबीउल अव्वल और 5 कातक हैं। एज़ पर और लोकल बकरी कैलेंडर इस वक्त मैं शारदा वादी नीलम कश्मीर में मौजूद हूँ और हमारे जो लोकल कैलेंडर होता है जिस तरह आपके यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के जो सोलर कैलेंडर के मंथ्स होते हैं, इस तरह इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स होते हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस तरह हमारे यहाँ एक और लोकल बकरवी या फिर देहाती कैलेंडर फॉलो होता है, हम उसको बकरवी कैलेंडर कहते हैं। उसका जो सर्दी का महीना स्टार्ट होता है वो इससे अगला होता है। खैर ये तो इसको सर्दी का मसला महीना नहीं कहते हैं, इसमें हल्की सर्दी होती है। इस महीने का नाम है कातक। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सर्दी के महीने की पहली बारिश शुरू हो चुकी है वादी नीलम में, लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये बारिश डिस्टर्बिंग होगी। तो जो कातक की जो बारिश होती है वो डिस्टर्बिंग नहीं होती, कोई लैंडस्लाइड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत प्लेजेंट मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, थोड़ी बहुत है, आप उसकी तैयारी करके आइएगा। टोपी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। आए हम आपको बारिश के कुछ सीन दिखाते हैं। सो दिस इज़ द व्यू, सामने आप देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको पहाड़ भी दिखा दूँ जिनके ऊपर बर्फ़ आ गई है। अभी बादलों में कुछ छुपे में वरना आपको दिखाता। दरिया नीलम ग्रीन कलर का पानी हुआ है, चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखो अब आपको बारिश का सीन दिखाता। इस बारिश के बाद जो सर्दी है तो काफ़ी बढ़ने का चांस है, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज़ हैं 9000 या तकरीबन इससे ऊपर के जो एरियाज़ हैं जिनका एल्टीट्यूड 9000 फीट ऑफ सी लेवल है, वहाँ भी इस वक्त बर्फ़बारी हो रही होगी यकीनन। लेट से पीर चनासी के ऊपर, रत्ती गली, शोंटर, चिटाकटा, इन सारे एरियाज़ में इस वक्त बर्फ़बारी होने के कभी चांसेस हैं।